Hello, we are the two founders, and we are back again on our Bali vlog series. This is the detailed vlog on visa on arrival in Bali and Bali travel guidelines. वीज़ा बाली में जाने के लिए दो तरीके से अप्लाई करा जा सकता है, एक ई वीज़ा और एक है एयरपोर्ट पे, यानी वीज़ा ऑन अराइवल जिसे हम कहते हैं, एयरपोर्ट काउंटर पे बाली के। तो बाली जाने के लिए 92 कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एप्लीकेबल हैं, उनकी लिस्ट ये आपको सामने है। और इन 92 कंट्रीज़ में 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें ई वीज़ा ऑन अराइवल भी कर सकते हैं आप अप्लाई। अब यहाँ पे जो वीज़ा ऑन अराइवल का कॉस्ट है वो 5 लाख ITR है, जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होगा। फर्दर 30 डेज़ का एक्सटेंडेबल हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं तो। One important thing to note here is this visa on arrival is also applicable on small children and even on infants. और अब गलती से भी अगर आप इस ई वीज़ा पे ओवरस्टे कर जाते हैं तो आप पे पर डे का 1 million ITR का फाइन लगने वाला है और ये आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो गलती से भी ऐसी भूल मत करिएगा। अगर आप 30 डेज आपके एक्सटेंड हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप 30 डेज का और एक्सटेंशन ले लो। तो बाली का ई वीज़ा ऑन अराइवल आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस कर दिया है बाली की गवर्नमेंट ने। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली आपको उस पर जाना है और अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। और मेक श्योर करिए कि आप बाली के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएँ, जो कि यहाँ पर मैं अभी मैंशन कर रहे हैं और यूज़ भी करने वाले हैं। और क्योंकि ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुना है कि काफ़ी स्कैम्स इसमें भी होते हैं। कोई बाली की ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से कई वेबसाइटें चल रही हैं, क्योंकि ऐसा बाली की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था सतर्क रहने के लिए, इसलिए भी हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, केवल बाली की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे ही जाएं। सो सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई, इट विल देन आस्क यू फॉर द पर्पज ऑफ योर विजिट, सेलेक्ट द टूरिज्म एंड देन सेलेक्ट द कंट्री फ्रॉम विच यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑफ विच योर पासपोर्ट इज, choose the number of days, then click on detail and apply. The cost for e-visa on arrival is 5 lakh ITR. तो ये ई वीज़ा का जो फॉर्म है ये फिल करने से पहले आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो लिस्ट हमने पहले दी थी आपको, वो आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ लिस्ट में भरना पड़ेगा वो चीज़ें आपको वहीं से एज इट इज़ भरनी है, जिससे कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए और आपका जो ई वीज़ा है वो आपको आसानी से इशू हो जाए। सिंपली सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके बाद आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट करेगा एक पेज पे, जहाँ पे आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB, ये सारे कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए। और आप अप टू 5 पीपल ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से ई वीज़ा के लिए, इनकी वेबसाइट से। बात कर लेते हैं इंडियंस की कि अगर इंडियंस बाली जाते हैं तो उनको वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अभी तक हमने जितना बताया है इस पूरे वीडियो में थ्रू आउट, वो सारी चीज़ें इंडियंस पे भी एप्लीकेबल हैं पूरी की पूरी, क्योंकि इंडियंस भी उस 92 कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं जो ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम ट्रैवल गाइडलाइंस की, इंडोनेशिया में ट्रैवल करने के लिए, स्पेसिफिकली बाली में ट्रैवल करने की।
पहली पीसीआर टेस्ट अब नो लॉन्गर नीडेड है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी पीसीआर टेस्ट की। हाँ, अगर आपकी जो एयरलाइन है वो आपके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस देती है तो बात अलग है। वी विल सजेस्ट यू टू डाउनलोड सतु सेहत ऐप, जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप है वैसे ही सतु सेहत है जो इंडोनेशिया, फुल इंडोनेशिया में अप्लाइड रहता है, तो आप वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सतु सेहत पे, ताकि कोई भी इंडो प्लेसेस में आप जाते हैं पाली की, अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कोई आपसे पूछता है, तो आप सतु सेहत में अपना ऐप खोल के अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनको दिखा सकते हैं। वी होप कि हमारा ये डिटेल वीडियो वीज़ा ऑन अराइवल और ट्रैवल गाइडलाइंस वाला आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपनी क्वेरीज डालनी है और हमार क्वेरीज को आंसर करेंगे। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट बाली ब्लॉग सीरीज में। वेट करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। सो वील मीट यू इन अवर नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने हमारा मेन बाली ट्रैवल ब्लॉग वाला वीडियो देखा है तो उसमें कमेंट सेक्शन में इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, कुछ कुछ और डिटेल्ड ब्लॉग बनाने के लिए, जिसमें से एक ये वाला वीडियो भी था। तो टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाई।